आई एम प्रवीण चौधरी और मैंने अपना कोचिंग दीक्षा से किया था 2016 में. उसके बाद मैं IIT मद्रास में सेलेक्ट हो गया था और मैंने वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज किया था और अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ और मेरा BTech और MTech दोनों प्रोग्राम साथ में है IIT मद्रास में. मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँगा. मैं सोजत रोड के गवर्नमेंट स्कूल से 11th 12th किया था और उसके बाद मैं 2016 में इधर कोचिंग के लिए आया था. और मैं बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल से किया हूँ तो वहाँ पे बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई होती है, कंपटीशन पे तो कोई ध्यान देगा नहीं ऑब्वियसली. तो मेरे कंसेप्ट भी उसके हिसाब से थे, बोर्ड के हिसाब से. सो जनरली सभी लोगों का यही होता है जो कोचिंग नहीं किए होते, जो नॉर्मली 11th 12th स्कूल में पढ़ते हैं गाँव में या शहर में, जो नॉर्मली 11th 12th करते हैं. तो फिर जब कॉम्पिटिशन की बात आती है तो कोचिंग क्लासेस जैसे दीक्षा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जैसे मेरी लाइफ में. जैसे मैं आया था तो मेरे कंसेप्ट 11th 12th के बोर्ड के सिलेबस से लिमिटेड थे, बट इधर आके हम रोज डेली 10 घंटे तक प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे. इधर क्लासेज होती थी 1.5 घंटे हर सब्जेक्ट की, उसमें जो सीखने को मिलता था उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे. जो चीज़ें क्लियर नहीं होती थी वो अगले दिन आके यहाँ पे 1-1, 2-2 घंटे तक हम और टीचर्स मिलकर सॉल्व करते थे और कंसेप्ट बनाते थे. तो ऐसे करके टीचरों ने बहुत योगदान दिया है क्योंकि उन्होंने कभी मतलब ऐसे नहीं होना कि हमारा डाउट मतलब क्लियर करने बिना चले गए. कभी कभी क्लासेस ख़त्म होने के 3-3, 4-4 घंटे बाद भी रुकते थे अगर डाउट ज़्यादा होते थे और बहुत सारे लोग होते थे तो. मतलब खाना पीना भी मतलब लेट होता था हमारी वजह से, बट उन्होंने कभी मतलब ऐसे लगने नहीं दिया. उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह जैसे मतलब घर पे केयर करते वैसे हमेशा मतलब केयर करने का सोचा है कि इनका करियर बने वगैरह. सो इस प्रकार उन्होंने बहुत योगदान दिया और हमारे साथ उस बैच में यू कैन सी हमारे साथ 8-10 लोग IIT में सेलेक्ट हुए और 20-25 लोग NIT में सेलेक्ट हुए. लगभग 60% लोग अच्छे कॉलेज मिल गए. और कोचिंग आते क्यों है? कोचिंग इसलिए आते हैं कि अपने मन में ड्रीम होता है कि IIT वो होता है, ये होता है. सो मैं बताता हूँ, जब मैं कोचिंग आया था तब मेरे को इतना आइडिया नहीं था IIT के बारे में. बट सिलेक्शन होने के बाद वहाँ जाने के बाद देखोगे तो आप जो करना चाहते हो लाइफ में उधर सब तरह के चीज़ें करने के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे. यू कैन इफ़ यू वांट टू प्ले क्रिकेट यू कैन प्ले क्रिकेट, देयर विल बी कोच, सब सामान रहेगा, किट वगैरह कुछ भी घर से लाने की जरूरत नहीं है. और ऊपर से नेशनल लेवल रणजी खेलने के चांसेस भी रहते हैं. मेरे साथ है 1-2 लोग खेले हुए रणजी, वो उनका स्किल्स ही है ऑब्वियसली, बट यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर साइड. सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, एनी टाइप ऑफ गेम, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश, वॉट एवर यू लाइक, यू विल बी एबल टू चूज योर ड्रीम्स. इवन इफ यू वांट फोटोग्राफी यू कैन डू देयर. सो वो सब चीज़ें होती है ना. और वापस आपको जो आसपास लोग रह गए वो सब ब्रिलियंट माइंड्स हो गए ऑब्वियसली, सब IIT में आए तो उनके साथ अपने थॉट शेयर करोगे, कुछ उनसे सीखोगे, कुछ उनको सिखाओगे. और ऑब्वियसली द करियर इज इम्पॉर्टेंट. सो IITs में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती है और उनका पे स्केल भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें ऐसी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा. एंड अभी अगर IIT नहीं करोगे तो फिर नॉर्मल कॉलेज में इतनी बड़ी कंपनियाँ आती भी नहीं है. तो वो सब चीज़ें सिर्फ IIT में और बड़े बड़े कॉलेज में मिल सकती है. ठीक है, तो उसके लिए कोचिंग करना ज़रूरी है. और कोचिंग भी वहाँ से मतलब जहाँ से आपको फुल सपोर्ट मिले टीचर से और उनका जो पढ़ाने का तरीका हो, सब वो सब दीक्षा में एकदम एक साथ में सब कुछ मेरे को मिला है.